बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं उसके टूल्स सिखाए थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। तो दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के माने होते हैं अरेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, यानी आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, यानी आप जो भी वर्ड लिख रहे हैं, जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट में किस तरह दिखेगा, उसकी अरेंजमेंट, उसकी बनावट को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस जमरे में बहुत से फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के तीन बेसिक लेवल्स होते हैं। नंबर वन इज करेक्टर फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर आप करेक्टर्स पर क्या क्या फॉर्मेटिंग टूल्स अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे। इसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर आप अपने पैराग्राफ को किस तरह अलाइन कर सकते हैं, वो तमाम चीजें हम देखेंगे। और नंबर थ्री इज पेज फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमारा तमाम फोकस करेक्टर फॉर्मेटिंग पर होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह ये करेक्टर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या है दोस्तों? करेक्टर फॉर्मेटिंग के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी लफ्ज या फिर अल्फाज वगैरह को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए वर्ड आपको जो फोर मेन फीचर्स प्रोवाइड करता है वो है फॉन्ट्स, स्टाइल्स, साइज एंड कलर्स। दोस्तों फॉन्ट के थ्रू आप अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल के जरिए आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल्स जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करके उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और साइज के जरिए आप अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और कलर के जरिए आप अपने टेक्स्ट का रंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ वर्बल बातें, अब जो असल चीज है कि हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि ये तमाम काम आप अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2016 वर्जन में। दोस्तों ये आपके सामने एक वर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद है और आज हम आपको इस डॉक्यूमेंट में मौजूद करेक्टर्स पर, अल्फाजों पर, लेटर्स पर फॉर्मेटिंग करना सिखाएंगे, जो कि आप चार तरीके से कर सकते हैं। आप फॉन्ट के जरिए कर सकते हैं, साइज के जरिए कर सकते हैं, स्टाइल के जरिए कर सकते हैं और कलर के जरिए कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फॉन्ट की बात करते हैं। तो फॉन्ट के मानी होते हैं कि किसी भी करेक्टर की अपीयरेंस को चेंज करना, उसकी बनावट को चेंज करना, ये फॉन्ट कहलाता है। तो आप इसको अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले चूज करेंगी, सेलेक्ट करेंगी जो भी टेक्स्ट पर आपको ये फॉन्ट अप्लाई करना है, आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगी। सिलेक्ट करने के बाद आप होम पर जाएंगी और होम पर आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार के बराबर में एक बार नजर आ रहा है, ये दो लाइनें जो बनी हुई है इनके बीच में, ये जो बार है ये फॉर्मेटिंग के लिए, करेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको सबसे पहले फॉन्ट तब्दील करना है, तो फॉन्ट के लिए आपको सबसे टॉप पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा होगा। जब आप इस पर अपना कर्सर लेकर जाएंगी, अपना एरो लेकर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर फॉन्ट भी लिखा हुआ नजर आएगा। और इन्होंने बोला है कि पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट, यानी आप अपने टेक्स्ट पर जो भी फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से वो अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी और जैसे ही मैं क्लिक करूंगी आप देखेंगे कि यहाँ ऑल फॉन्ट्स, यानी जितने भी फॉन्ट्स आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड करता है वो तमाम फॉन्ट्स आपको यहाँ नजर आएंगे। आप यहाँ पर स्क्रॉल बार भी देख सकते हैं, उनकी मदद से आप जो भी अपने टेक्स्ट पर फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप वो इनमें से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक ये सिलेक्ट किया था, सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके आप जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप देखिएगा जैसे जैसे मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करती जाऊंगी, जो भी फॉन्ट मैं सिलेक्ट करती जाऊंगी, सिर्फ मैं अपने कर्सर वहां लेकर जा रही हूँ और ये आपको चेंज होता हुआ दिख भी रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट कैसा हुआ था, इस तरीके से यहाँ पर आपका टेक्स्ट डिफरेंट स्टाइल का हो गया है, यानी आपके टेक्स्ट की अपीयरेंस जो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में नजर आ रही है बिल्कुल वैसे ही आपको आपका टेक्स्ट भी नजर आएगा। विच मीन्स कि फॉन्ट्स जो है उनके जरिए आप अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस को तब्दील कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे टेक्स्ट जो है उसका फॉन्ट तब्दील हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉन्ट को अपने टेक्स्ट पर, अपने करेक्टर्स पर अप्लाई कर सकते हैं और इसको ये कहलाता है फॉन्ट करेक्टर फॉर्मेटिंग, यानी ये फॉर्मेटिंग का तरीके का जो है ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीके का है वो है साइज को चेंज करना, साइज को फॉर्मेट करना। उसके लिए भी आपको सबसे पहले अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर, यानी इस फॉन्ट के बराबर में एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर आ रही होगी,
जब आप इस पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा आएगा फॉन्ट साइज, यानी इसके जरिए आप अपने फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो फॉन्ट साइज मींस कि आपके करेक्टर का साइज, कि आपका करेक्टर कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा इन साइज में। तो दोस्तों ये देखिए, आपको बहुत सारे साइज नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट का साइज भी, आपके करेक्टर्स का साइज भी बढ़ता जा रहा है जो आपने सिलेक्ट किए थे। अब जो भी आपको इनका साइज सिलेक्ट करना है, आप उसी पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ 20 पर क्लिक कर दिया, तो ये मेरा साइज, अब मेरे टेक्स्ट का साइज चेंज हो चुका है, विच इज 20। इसी तरीके से अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट साइज का भी एक ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल बराबर में डिक्रीज फॉन्ट साइज का भी आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, जिसके जरिए आप अपने फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फॉन्ट, पहले हमने फॉन्ट सीखा, इसके बाद हमने फॉन्ट के साइज को आप किस तरह तब्दील कर सकते हैं, जो कि दूसरा फीचर था जो कि आपको वर्ड प्रोवाइड करता है आपके करेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर। इसके बाद जो तीसरा आपका काम है वो है स्टाइल, यानी आप किस तरह अपने करेक्टर्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे की साइज, नीचे की जगह पर, यानी इसके नीचे, फॉन्ट के नीचे आपको ये लाइन नजर आ रही होगी, ये बार नजर आ रहा होगा। ये पूरा जो बार है ये फॉन्ट के स्टाइलिंग के लिए होता है, ये करेक्टर्स के स्टाइलिंग के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, अगर आप इस बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो अब बोल्ड हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप इस आई यानी इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो अब इटैलिक हो गया है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे, किसी भी लाइन, किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लेकर आना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो इस अंडरलाइन के जरिए, जिसके अंदर, जिसके ऊपर आपको यू भी नजर आ रहा है और नीचे एक छोटी सी लाइन भी बनी हुई नजर आ रही है, इसके जरिए आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखिए, अब मेरा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो चुका है। मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ कि ये अंडरलाइन हो चुका है। इसके अलावा आपको यहीं पर ही इस अंडरलाइन के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है, जिसके जरिए आप अपनी लाइंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अंडरलाइन के अंदर किस किस डिजाइन की लाइनिंग लगाना चाहते हैं, डबल लाइन लगाना चाहते हैं, इस तरह की लाइन चाहते हैं। और जो जो लाइन आप देखते जाएंगे, मतलब जिस पर अपना कर्सर लाते जाएंगे, आपकी लाइन भी उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी। और लाइन के साथ साथ आप उस लाइन का कलर भी डिफाइन कर सकते हैं अंडरलाइन कलर के जरिए। आप उस लाइन को अगर रेड कलर का करना चाहते हैं तो आप रेड कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपने करेक्टर्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और एक और चीज, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है, विच इज स्ट्राइक थ्रू, और इसके नीचे लिखा हुआ है क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू इट। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आप कॉपी के ऊपर भी कुछ लिख रहे होते हैं, तो पेंसिल से अगर वो सही वर्ड नहीं होता तो आप पेंसिल से उसे कट कर देते हैं, तो वो फीचर भी आपको वर्ड प्रोवाइड करता है इस स्ट्राइक थ्रू के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और आप चाहते हैं कि ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में इसके ऊपर लाइन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट पर एक लाइन आ गई है। तो दोस्तों इस तरह भी आप अपने करेक्टर्स को, उनके फॉर्मेटिंग को और उनके स्टाइल को और मजीद इन्हांस कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। अब एक और चीज के दोस्तों, अक्सर आप केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखते हैं CO2, तो CO2 के अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है CO2 ऐसा तो नहीं होता, आपका जो O है वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ होता है। तो इस तरह अगर आपको करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में कैसे करेंगे, ये स्टाइल आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह डालेंगे, इसका ऑप्शन भी आपको आपका वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है इस ऑप्शन के थ्रू, विच इज अ सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। तो आपको जो भी चीज इस तरह से करनी है, जैसे O जो है वो आपको कहां पर लाना है, यहाँ नीचे लाना है, तो आप देखिए यहाँ जो X है इसके नीचे 2 बना हुआ है, विच मींस कि जो भी आपको इस तरह का टेक्स्ट चाहिए तो वो आप बना सकते हैं। बस जरूरत ये कि आपको सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना होगा जिसको भी आपको नीचे लाना है उस करेक्टर के। तो आपने उस, मैंने 2 को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया। तो देखिए अब ये आपको बिल्कुल O2 बिल्कुल ऐसे ही X2 की तरह दिख रहा है, विच मीन्स कि जो भी चीज आपको इस तरह की चाहिए आप उस पर इस तरह क्लिक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अक्सर H2O भी होता है, H2O आप लिखते हैं। अब यहाँ पर 2 जो है वो आपको इसी फॉर्म में चाहिए, इसी X2 की फॉर्म में चाहिए, तो आप 2 को सिलेक्ट करेंगे,
सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सब्सक्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखिए कि आपका जो फॉर्मूला है बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे आपकी बुक के अंदर लिखा होता है। इसके अलावा दोस्तों अक्सर हमें डॉक्यूमेंट्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी लिखनी होती हैं। लोग तो अक्सर मैथ्स की जो बुक्स वगैरह हैं वो इसी वर्ड प्रोसेसर पर ही बना रहे होते हैं, तो वो आप किस तरह लिखेंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसके लिए भी आपको ये फीचर फराहम करता है सुपर स्क्रिप्ट का। आपको सिंपल एक्स स्क्वायर आपने लिखा, अब आपको एक्स जो है वो इसकी पावर में चाहिए, तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक्स टू जो है वो पावर में दिख रहा है, यानी जो भी चीज आपको पावर में चाहिए है वो आप इस सुपर स्क्रिप्ट के फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। सिंपल आपने टू को सिलेक्ट किया क्योंकि इसी को आपको पावर में लाना है, और आपने यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए आपका जो टू है वो पावर में आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के अंदर मौजूद किसी भी करेक्टर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब हमने ये तीनों चीजें सीख ली हैं, अब जो लास्ट चीज है वो है कलर्स। दोस्तों कलर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक जो चीज है कि आप क्या चीज हाईलाइट करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप बुक पढ़ रहे होते हैं और आप अपने हाइलाइटर से जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है हाईलाइट कर लेते हैं। अब आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हाईलाइटिंग करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, उसका फीचर भी आपको वर्ड प्रोवाइड करता है। आप सिंपल सबसे पहले जो भी टेक्स्ट आपको हाईलाइट करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वर्ड अब हाईलाइट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ तो आपको येलो कलर दिख रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कलर्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी कलर चूज नहीं करना चाहते तो आप नो कलर कर सकते हैं। अगर आप हाईलाइटिंग के इस ऑप्शन को रोकना चाहते हैं तो आप स्टॉप हाईलाइटिंग के थ्रू ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई कलर डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 19th सेंचुरी के अंदर ये एक वर्ड है, एक टेक्स्ट है, अब मैं इसके अंदर कोई भी इस टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पर मुझे बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं उनमें से ब्लू को देख के मैं ब्लू कलर कर दूंगी, तो देखिए अब इसका ब्लू कलर हो गया है। इसके अलावा और भी आप मोर कलर्स के जरिए इस पूरे टेबल के जरिए आप कोई सभी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप ग्रेडियंट्स के जरिए इसके अलग अलग ग्रेडियंट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीकेकार थे जिनके जरिए आप अपने टेक्स्ट को कलर्स अप्लाई करके और ज्यादा उसको खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको आखिर में एक और ऑप्शन नजर आ रहा है जिसके जरिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं और आपको अक्सर फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लग रही होती कि भाई नहीं ये तो जैसा मेरा पुराना टेक्स्ट था वैसा ही होना चाहिए ताकि सिंपल रहे, तो आप सिंपल क्या करेंगे जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने सोचा कि फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए था, आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको ये एक क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का फीचर नजर आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पुराने जैसा आपका टेक्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने इसमें जो जो फॉर्मेटिंग की होगी आप जब यहाँ पर क्लियर ऑल इसको सिलेक्ट करने के बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आपके पुराने जैसा टेक्स्ट बन गया है। तो दोस्तों ये कुछ तरीकेकार थे जिनके जरिए आप अपने करेक्टर्स को फॉर्मेटिंग करेक्टर्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग के माने क्या है कि आप उनको मजीद खूबसूरत बना सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और इसमें हमने चार चीजें सीखी हैं, विच इज फॉन्ट जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, साइज जो कि आप इस मेन्यू से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टाइलिंग आप इस पूरे बार के जरिए कर सकते हैं, और कलर का फीचर वो आपको इन बार्स के अंदर इस बार में नजर आएगा। दोस्तों ये था करेक्टर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करना आपको सिखाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।